मेरा नाम मनोज है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज या होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं, इसीलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता हूँ, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनाएगी। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेनी थी। शाम तक काम खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं जरा आराम से काम कर रहा था। लेकिन सारे ऑर्डर लेते लेते रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ तो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतजाम कर देता है। मैं उसको मन में ही ठीक है बोल के निकला। तभी उसने आवाज लगाया और पीछे से दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधा जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबा पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, तुम्हें पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी तुम मत रुकना। मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंड हवा चल रही थी, हेमलेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है, इसीलिए जैकेट पहना था। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी झाड़ियां चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है? काफी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के लिए रुकने का कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेंगी, 150 देकर निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना फायदा ही होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे, ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को दिखाई देता होगा कि पता नहीं खाना बनाने में कितना समय लगेगा, क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकलते समय खाना खा के वहाँ से चला था, तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने तरफ 2 कमरे थे, एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पर लेट गया। थका हुआ होने के कारण जल्दी नींद भी आ गई थी। मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था।
उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी घर के बाहर से रोने की आवाज आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं जरा चौंक गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज बाहर से आ रही थी। हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला। डर तो मैं भी रहा था। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला तो आवाज बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीबी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज औरत की थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक झटके से दरवाजा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। एक कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी तरफ अपनी लाल आंख से देख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफेद कपड़े पहन के खड़ा था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मैं भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई और वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ा। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूरी पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान बचाकर जैसे वहां पहुंचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहां काम करने वाले लोग उठ के आए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने के बाद एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसीलिए तू बच गया। यहाँ सालों से चलता आ रहा है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, श्रापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है। फिर सुबह होते ही उन्हीं के साथ मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह गया था। वहाँ मेरा सामान और बाइक तो था, पर वो होटल नहीं था। मैं अपना सामान लेकर अपने घर के लिए निकल गया। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।